जो फालिज के मरीज हैं उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अपना इलाज करवा सकते हैं और अपनी जिंदगी पहले की तरह जो है वो सेहत याब जो है वो जी सकते हैं। फालिज का इलाज विदाउट इंजेक्शन, विदाउट किसी कट और घर बैठे फालिज का आप इलाज करवा सकते हैं, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी पेशेंट को लो बैक पेन है या शोल्डर पेन है, जॉइंट पेन है, तो ये ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है। ये क्या करता है कि आपकी पेल को स्टिमुलेशन को रिलीज कर देता है। जो वेल एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं वो घर में यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पेशेंट के हिसाब से कर ली है, जितना पेशेंट बियर कर रहा हो आपने उस हिसाब से ये पैड्स यूज़ कर लिए हैं, ये पैड्स आपने यूज़ कर लिए, इसको इस तरह कलेक्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को आपने कलेक्ट कर लिया। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि फालिज का इलाज किस तरह से मुमकिन है। फालिज का इलाज विदाउट इंजेक्शन, विदाउट किसी कट और घर बैठे फालिज का आप इलाज करवा सकते हैं, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर तैयब जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारफ करवाने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक जो मरीज हैं वो घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं और कामयाब इलाज है और कोई दवाई कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। इनका तरीकाकार क्या है, इनसे बात करते रहने की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा आपने कौन सा तरीका इलाज मुतारफ करवाया, क्योंकि फालिज के मरीज तो हर घर में मौजूद हैं और बड़े मुश्किल मामला तो होते हैं, लोगों को फालिज हो जाता है उसके बाद वो बेचारे इलाज नहीं होता और वो ऐसे ही जिंदगी गुजार देते हैं, कौन सा तरीका जो है आपने मुतारफ करवाया बताइए। देखिए, जो हमारी फील्ड है फिजियोथेरेपी, ये विदाउट मेडिसिन एक्सरसाइजेस से आप लोगों को ट्रीटमेंट करती है, ठीक है, इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं, अपनी मशीन्स लगाते हैं, मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं और वो पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से सेहतयाब हो जाते हैं। अगर फालिज के पेशेंट्स की बात की जाए, इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर सेंसेशंस नहीं आ रही होती। आपने देखा होगा इनकी हैंड मूवमेंट्स नहीं होती हैं, इनकी मतलब कि चलने का इनकी जो पैटर्न है गेट पैटर्न वो सारा रिड्यूस हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, इनका जो एक साइड होती है वो मतलब कि पूरी तरह मतलब नहीं वो काम कर पाती, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पे स्लो हो जाती है, हैवी प्लेजिया, डायप्लेजिया, आपको पता होगा मतलब एक साइड का वीकनेस हो जाता है, पैरेलिसिस हो जाता है, यानी दोनों साइड के पैरेलिसिस हो जाते हैं, तो ये कंडीशन इसमें आती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं, हम लोग हल्के हल्के स्टेप्स उसको चलाते हैं, ठीक है, और ये एक सेशन या दो सेशन से फालिज का पेशेंट ठीक नहीं होता। हमारा फिजियोथेरेपी में स्ट्रोक के पेशेंट को मैक्सिमम भी 1 मंथ 1.5 मंथ लगता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो अपने प्रीवियस स्टेज पे आ जाता है, यानी कि मुकम्मल सेहतयाब होके पहले की तरह हो जाता है। लेकिन आपने पहले देखा होगा कि फिजियोथेरेपी से पहले फालिज के पेशेंट्स का बेचारे वो बरसात होते रहते थे, ऑपरेशन वगैरह रिकमेंड करते थे डॉक्टर्स, मतलब बिल्कुल ही बेड रेस्ट हो जाते थे और डेथ हो जाती थी, डेथ रेशो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम लोग मोडेलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी, जिससे जो है हम लोग पेशेंट्स को जो है वो रिलीफ भी दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिजियो बोल्स हैं, ठीक है, ये आम बोल की तरह नहीं है, ये फिजियो बोल्स हैं उन पेशेंट्स की हैंड ग्रिप के लिए, उनकी वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी वीकनेस जो है वो रिड्यूस हो और वो चीज़ें जो है वो आसानी से पकड़ सके, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हम लोग उन पर मशीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह अगर उन्हें मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पेल हो रही हो जब हम लोग उन्हें ट्रीट कर देते हैं इनिशियल स्टेजेस के बाद और मतलब के लास्ट स्टेजेस पे हम उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें पेन वगैरह फील हो, ये है मतलब के जनरल पेन के लिए। अगर किसी भी पेशेंट को लो बैक पेन है या शोल्डर पेन है, जॉइंट पेन है, तो ये ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है। ये क्या करता है कि आपकी पेल को स्टिमुलेशन को रिलीज़ कर देता है, और ये मतलब कि इसका मेथड भी इतना इजी है, कोई भी घर में लेके यूज़ कर सकता है या डॉक्टर के बिना ये यूज़ नहीं होगा? देखिए, जो वेल एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं वो घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में यूज़ आप मुकम्मल एहतियात के साथ इसको नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसके ऊपर ये एक फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के स्विचेस हैं। अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो पेशेंट इस तरह हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा लग गया, तो डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत इजी वे में करना पड़ता है कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पेशेंट के हिसाब से कर ली है, जितना पेशेंट बियर कर रहा हो आपने उस हिसाब से ये पैड्स यूज़ कर लिए हैं, ये पैड्स आपने यूज़ कर लिए, इसको इस तरह कलेक्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को आपने कलेक्ट कर लिया और आपने पैड्स जो है इसके हैंड्स पे या आपने नी पे लगा देने जहाँ पे पेन। ये बज़ाहिर तो आपको एक बटरफ्लाई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है,
ये EMS के तौर पर भी काम करती है, मसल स्टिमुलेशन भी, टेंस के तौर पर भी काम करती है, नर्व स्टिमुलेशन भी, और आपकी मसाज भी करती है। ये इसके दरमियान वाला ऑप्शन बना हुआ है मोड का। ये मोड्स हम लोग लगा देते हैं, मसाज का लगाना है, टेंस का लगाना है, EMS का लगाना है, ठीक है, वो हम लोग लगा देते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। और इसके जो ये दो पैड्स बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, और पेशेंट की जो है आप कहीं भी इसको ईजिली लगा सकते हैं, आपको ऐसे लगेगा आपने वॉश पहने हुए। तो ये हमारे पास ईजी भी है और रिलायबल भी है, पेशेंट घर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको खुद भी यूज़ किया जा सकता है। यस, इसका नुकसान भी होता है, कोई साइड इफेक्ट है इसका? अगर इसको ओवर इंक्रीज़ करके, इसकी स्पीड या इस तरह से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करके यूज़ करते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, पेशेंट हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनका मेटल इम्प्लांट पड़ा होता है, स्टंट पड़ा होता है, उन पर हम लोग टेंस यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ नहीं करते, उन्हें हम मैनुअल ही देखते हैं या हम रेफ़र कर देते हैं फॉर द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो हार्ट पेशेंट्स पे, और अगर किसी को ओपन वूंड हुआ हुआ है, ज़ख़म हुआ हुआ है, और वो सारा मतलब कि ओपन है, आपको नज़र आ रहा है, तो उस पर भी आप ये नहीं लगा सकते। आप पे कंट्रैक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, तब भी आप नहीं लगा सकते। कोई ऐसी किस्म का भी फालिज है जिसका इलाज आप नहीं कर सकते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी जो है वो हर किस्म के फालिज का इलाज करती है। किसी को कोई मसला है वो आपके पास आ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग घर में भी सर्विस देते हैं, अगर किसी को फीमेल रेफ़र कर लिए, किसी को फीमेल डॉक्टर चाहिए, हम फीमेल रेफ़र करेंगे, किसी को मेल डॉक्टर चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र है इस एक जगह से मल्टी डायमेंशनल काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका ये जो क्लिनिक है, ये किस जगह पे सिचुएटेड है? ये मरगजार सोसाइटी एन ब्लॉक पे है, सब्जाजार के पास। वो लोग जो के फालिज के मरीज़ हैं, उन्हें कोई जो है वो समझ नहीं आती कि कहाँ से इलाज करवाना है, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? उनके लिए ख़ास मैसेज यही है कि फिजियोथेरेपी की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ये आए हैं, तो इन्हीं के तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूँ, आप सबको अवेयरनेस भी देना चाहता हूँ कि अब किसी भी डिज़ीज़ का इलाज नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ जो है वो उसका इलाज मुमकिन हम लोगों ने बना दिया है। और अल्लाह का शुक्र है फिजियोथेरेपी तो आपको एक्सरसाइजेस करवा के विदाउट मेडिसिन से ही आपको अल्लाह का शुक्र है ठीक कर रही है। तो आप लोग आए, इंशाल्लाह आप लोगों का मुकम्मल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और आप लोगों को एक रिलायबल तरीके से आपका पूरा रिहैब प्लान तैयार भी किया जाएगा। कितने परसेंट इसकी रेशो है कि जो मरीज़ जो है सेहतियाब होते हैं इस इलाज से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 95% से 98% रेशो है कि अल्लाह का शुक्र है पेशेंट ठीक होके अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने ही काबिल हो जाते हैं। कोई एज का मैटर है कि अगर किसी की एज 50+ है या इससे ज़्यादा है, उनका इलाज मुमकिन नहीं है या मुश्किल आती है उसमें? देखिए, यंगस्टर्स जो अडल्ट्स हैं उन्हें तो हम लोग नॉर्मल इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, लेकिन अडल्ट्स का जो ओल्ड एजेस हैं, जो एज फैक्टर आपको पता करता है फैक्टर जो होते हैं, तो उसमें हम लोग एज के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया देख के एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि हर इतवार फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद करती है पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर भी लोगों को फ्री इलाज की सहूलियात मुहैया की जाती हैं, 60% लैब टेस्टों पे लगाया जाता है, और जहाँ डिस्पेंसरीज नहीं है वहाँ जाके हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब जो फालिज के मरीज़ हैं इनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपना इलाज करवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जो है वो सेहतयाब जो है वो जी सकते हैं, क्योंकि फालिज जिसको होता है वो घर में बैठ जाता है कि मेरा इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, दूर दराज जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता, लेकिन डॉक्टर तैयब आ गए हैं, आपने इनसे अपना इलाज करवाना है और आपका जो इलाज है वो कामयाब होगा क्योंकि इसकी जो रेशियो है वो 95% से 98% है कि लोग यहाँ पे ठीक होते हैं और अपनी ज़िंदगी पहले की तरह बेहतरीन गुजारते हैं। इनके जो क्लिनिक के नंबर्स हैं वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और लोकेशन जो है वो भी स्क्रीन पे चल रही है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और होम सर्विस जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो मरीज़ जो फालिज में मुबतला हैं वो अपना इलाज करवा सकें और अपनी बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।